जय हिंद जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन के लेक्चर नंबर 47 में। आज का टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा था कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रोब्स ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। लेट्स स्टार्ट विथ सम प्रीवियस टॉपिक। हम लोग डिफरेंशियल प्रोब को डिस्कस कर चुके थे कि डिफरेंशियल प्रोब में हमारे दो तरीके के प्रोब होते हैं और उन दो तरह के प्रोबों में एक एब्सोल्यूट प्रोब यानी दैट इज अ रेफरेंस प्रोब एंड द सेकंड वन इज अ टेस्ट कॉइल प्रोब जिसके बेस पे हम लोग रीडिंग को लेते हैं। अब उन दोनों में डिफरेंस है रीडिंग में, सो दैट्स व्हाई देयर इज सम प्रॉब्लम इन सम फ्लोज इन द डिफेक्ट एंड सम प्रॉब्लम इन द दैट पर्टिकुलर। व्हाट इज अ रिफ्लेक्शन प्रोब? रिफ्लेक्शन के वर्ड को पकड़ते हैं क्योंकि हम देखिए जो टेक्नोलॉजीज आती हैं, जो भी नेम है, कहीं ना कहीं इनका डिफरेंस है और वो डिफरेंस हमें क्रिएट कर। रिफ्लेक्शन मतलब इंडिकेट करता है कि जस्ट लाइक कहीं कुछ रेस, अभी तक हम लोग रिफ्लेक्शन कहां पढ़ते थे? लाइट में पढ़ते थे कि एक लाइट आई इंसिडेंट की और रिफ्लेक्ट कर दी, दैट इज अ रिफ्लेक्शन होता है कि बिल्कुल सेम पैटर्न और उसको ऑब्जर्व करना। सो रिफ्लेक्शन प्रोब का नाम कैसे पड़ा? रिफ्लेक्शन प्रोब कुछ नहीं है, अभी तक हम लोग ने पढ़ा था कि दो तरीके के प्रोब, एक एब्सोल्यूट प्रोब और एक डिफरेंशियल प्रोब। हम क्या करते हैं कि एब्सोल्यूट प्रोब और डिफरेंशियल प्रोब का जो कॉम्बिनेशन यूज करें, उन दोनों को यूज करें और फिर एक नया प्रोब डिजाइन कर दें, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन प्रोब। अब क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये हुआ कि ये कैसे सर डिजाइन हो जाएगा। हाँ, ये क्वेश्चन है। तो पहला तो टास्क ये है कि डिफरेंशियल प्रोब में दो प्रोब यूज करते हैं, दो तरह के कॉइल, एक टेस्ट कॉइल और एक रेफरेंस कॉइल, और एब्सोल्यूट प्रोब में एक सिंपल कॉइल यूज करते हैं, इसको कैसे यूज किया जाए। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है। तो हम क्या करते हैं कि इसमें इस तरह के रिफ्लेक्शन प्रोब में थ्री टाइप की वाइंडिंग को यूज करते हैं। अब थ्री टाइप की वाइंडिंग मतलब तीन फेस को यूज करेंगे। एक फेस में हम एब्सोल्यूट प्रोब को जोड़ देंगे और दो में हम डिफरेंशियल को जोड़ देंगे। मेरी बात को फिर से समझिएगा। एक प्रोब में एक तीन तरह की वाइंडिंग का यहां प्रयोग कर रहे हैं, तो प्राइमरी वाइंडिंग में आप क्या करेंगे, एब्सोल्यूट प्रोब को जोड़ देंगे और अदर वाले में आप क्या करेंगे, दैट कंसिस्ट द सेकेंडरी वाइंडिंग, जो एक प्राइमरी वाइंडिंग एक सेकेंडरी वाइंडिंग, और सेकेंडरी वाइंडिंग में आप क्या करेंगे, डिफरेंशियल प्रोब को जोड़ देंगे। अब जो अब अंतर देखिएगा, जो डिफरेंशियल प्रोब में जो सप्लाई दे रहे थे वो दोनों प्रोब में कॉमन दे रहे थे। आपको बताया था, ये फिगर है कि दिस इज अ टेस्ट कॉइल एंड दिस इज कॉल्ड द रेफरेंस कॉइल, और आपको सप्लाई ये कॉमन आ रही है, यहीं से कॉमन दोनों सप्लाई चली गई, दोनों में कॉमन आ रही है। लेकिन इस रिफ्लेक्शन प्रोब में क्या होता है, प्राइमरी कॉइल में आपका करंट आता है और वो प्राइमरी कॉइल के करंट्स कहां सप्लाई होते हैं, डिफरेंशियल में सप्लाई होते हैं। और डिफरेंशियल प्राइमरी में किसमें लगाया, एब्सोल्यूट प्रोब कौन सा लगाया, जिसके मतलब एक फेराइट रॉड लगाई जिसके उसको प्राइमरी से कनेक्ट किया, तो उसमें करंट जो आया उस करंट को सप्लाई मैंने कहां किया, मैंने सेकेंडरी कॉइल में किया, और सेकेंडरी कॉइल में यहां लगा हुआ है आपका दैट इज डिफरेंशियल, और उसका फंक्शन एज इट इज सेम है जो पहले डिफरेंशियल में था। सो बस इतना अंतर रहता है कि डिफरेंशियल में सिर्फ हम सप्लाई जो देते थे वो दोनों प्रोब को एक कॉमन सप्लाई देते थे, लेकिन यहां पे हम रिफ्लेक्शन प्रोब में क्या करते हैं, डिजाइन में चेंजेस कर देते हैं। जैसे आपको फिगर दिख रहा होगा, ये फिगर में कि ये आप देखिए कि यहां पे आपकी एक प्राइमरी कॉइल है, एग्जिस्टिंग कॉइल, और एक है सेकेंडरी कॉइल, और ये टेस्ट स्पेसिमेन है। तो प्राइमरी कॉइल में हम क्या करेंगे, दैट इज अ करंट सप्लाई कर देंगे हम, और सेकेंडरी कॉइल में हम डिफरेंशियल सप्लाई कर देंगे। तो जैसे हमारा यहां के अंदर डिफेक्ट होगा, ये मुझे इजीली यहां से दे देगा। तो दैट इज अ कंबाइंड फीचर्स ऑफ बोथ एब्सोल्यूट एंड डिफरेंशियल प्रोब। वन कॉइल इज यूज टू जनरेट एडी करंट, एक का काम है एडी करंट को जनरेट करना। देखिए कितना लॉजिक है, एक का काम है एडी करंट को जनरेट करना, दैट इज अ प्राइमरी कॉइल इज रिस्पॉन्सिबल टू जनरेट द एडी करंट, एंड अदर वन इज कपल्ड टू द रेफरेंस स्टैंडर्ड, मतलब नहीं सेकेंडरी वाइंडिंग, टू फाइंड आउट द फ्लोज इन द मटेरियल, क्या फ्लोज है उनको, एंड वेदर देयर इज अ चेंज, वो चेंज जो डिफरेंशियल में आएगा वो हमारे डिस्प्ले में नीड हो जाए। तो यहां पे क्या होता है, ये ज्यादा अच्छा है इन कंपेरिजन टू आपका डिफरेंशियल और एब्सोल्यूट, क्योंकि यहां पे एक जगह से इंड्यूस करंट हो गया, आपकी रीडिंग बस डिफरेंशियल दे देगा, चेंजेस है। सो दैट इज द रेफरेंस प्रोब। और हाइब्रिड प्रोब जो मैंने डिस्कस नहीं किया यहां पे, वो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री टाइप ऑफ द प्रोब, दैट इज कॉल्ड द हाइब्रिड प्रोब। सो बेसिकली ऑन द एप्लीकेशन फोर टाइप्स ऑफ द प्रोब्स आर यूज, एब्सोल्यूट प्रोब, डिफरेंशियल प्रोब एंड द रिफ्लेक्शन प्रोब एंड हाइब्रिड प्रोब।
अब आईटी करंट को टेस्टिंग प्रोब को क्लासिफाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के बेस पे आईटी करंट किस तरह के हो सकते हैं। सो प्रोब के एप्लीकेशन, अब प्रोब का एप्लीकेशन कैसे होता है, अभी तक तो हम बात कर रहे थे ऑपरेशन कैसे करेंगे, कैसे वो डिफेक्ट को सर्च आउट करेंगे, कैसे वो फाइंड आउट करते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं किस तरह के यूज करेंगे। मान लीजिए मैं आपसे इमेजिन करता हूं कि आपकी जो सरफेस है वो आपकी फ्लैट सरफेस है, आपकी फ्लैट सरफेस है, इस समय कौन सा प्रोब आप यूज करेंगे। मान लीजिए पहली सरफेस ये है, दूसरी सरफेस मैं इमेजिन करूं, आपसे कह दूं कि जस्ट लाइक इमेजिन करते हैं कि मेरा एक सर्कल है, इफ यू आर सपोज मैं कहता हूं दिस, ये आपका क्या है, एक होल है, और इस होल के अंदर से आपको इसके अंदर की सरफेस को सर्च आउट करना है कि यहां पे सरफेस क्रैक्स है या नहीं, तो तब क्या करेंगे। सो ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशंस यूज प्रोब्स आर क्लासिफाइड इनटू अ डिफरेंट टाइप, दैट जस्ट लाइक अ सरफेस प्रोब, रोटेटिंग स्कैनर प्रोब, बॉबिन प्रोब्स, वेल्ड प्रोब्स एंड मॉड्यूल प्रोब एंड अदर प्रोब्स विच आर यूज। सो फर्स्ट वन इज डिस्कस, सम प्रोब्स आर डिस्कस इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, दैट इज कॉल्ड अ सरफेस प्रोब। This type of the probes are basically used where the 90 degrees, मतलब flat surface are observed and small in diameter and frequency is very high. इस तरह के प्रोब जहां यूज किए जाएंगे, जहां 90 डिग्री का हमारा कंपोनेंट बिल्कुल फ्लैट है, वहां सरफेस हमें देखना है, हमें इंटरनल नहीं देखना है, हमें होल के अंदर, मतलब कोई आपके डाया नहीं है, किसी हॉलो सेक्शन नहीं है, और कोई डायमीटर के अंदर आपको इंसर्ट करा के नहीं देखना है। इस तरह के जो प्रोब होते हैं दैट इज कॉल्ड दी सर्फेस प्रोब, जो सर्फेस को ही सिर्फ देखें, इस तरह के प्रोब सर्फेस प्रोब, ये बिल्कुल सिंपल होते हैं एंड इनका डायमीटर जो होता है बहुत कम होता है, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है यहाँ पे ज्यादा होती है। अब फ्रीक्वेंसी जब ज्यादा होगी इट्स मीन दैट इज ना सेंसिटिविटी भी हमारी वहां पे क्या होगी, ज्यादा होगी यहाँ पे। सेकेंड टाइप ऑफ द प्रोब इज नोन एज द रोटेटिंग स्कैनर प्रोब। रोटेटिंग स्कैनर प्रोब इज बेसिकली इस तरह के प्रोब को जो डिजाइन करते हैं वो मैकेनिकल डिवाइस के साथ कनेक्ट करके डिवाइस करते हैं। अब इसको पहले फंक्शन समझिए कहां पे, कि मान लीजिए आपका जो सरफेस है जहां पे टेस्टिंग करना है वो सरफेस आपका होल सा टाइप का है, यहां छेद है और उस सरफेस की टेस्टिंग को आपको करना है, तब आप सरफेस प्रोब को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सरफेस आपका प्रोब रिस्ट्रिक्ट है कि ओनली सरफेस के ऊपर या 90 डिग्री अपार्ट फ्रॉम 90 डिग्री काम करेगा, आपका टिल्ड नहीं है, तो आप उस समय यूज करते हैं, आपने उसी सरफेस प्रोब को मॉडिफाई कर दिया, आपने मैकेनिकल ड्राइव लगा के आप रोटेटिंग एनालिसिस करने के लिए आपने रोटेशन प्रोवाइड कर दिया विद द हेल्प ऑफ रोटेटिंग स्पिंडल। ये देखिए आपने एक रोटेटिंग स्पिंडल लगाई और ये आपका कॉयल हेड है, तो जैसे रोटेटिंग स्पिंडल आपके होल के अंदर जाएगा तो आपका क्या करेगा, क्रैक इंड्यूस करेगा, मतलब नहीं वहां पे इंड्यूस करंट जनरेट होगा, वही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी और आपकी स्पिंडल उनको सबको जनरेट। तो दिस टाइप ऑफ द प्रोब विच आर यूज इन द एप्लीकेशन पर्पस दैट इज कॉल्ड द रोटेटिंग। एंड और कॉमन बात ये है कि इसमें रोटेटिंग तो ये हो गया कि स्पिंडल रोटेट करके होल में जा रही है, लेकिन किस तरह का प्रोब यूज करेंगे, इस तरह में आप डिफरेंशियल प्रोब यूज करेंगे, मतलब डिफरेंशियल दो तरह के स्पेसिफिक, मान लीजिए कहीं आपको डिफरेंस दिख रहा है तो आप तुरंत रीडिंग सर्च आउट कर लेंगे कैलिब्रेशन से। देन इज सेकंड वन इज द मैनुअल बोल्ट होल प्रोब। ये इस तरह का प्रोब होता क्या होता है कि मान लीजिए कि इसमें क्या होते हैं, जो कॉयल होते हैं वो 90 डिग्री पे सेट कर दिए जाते हैं एंड एक फास्टनर होता है, जिस जैसे आपने लकड़ी वाला पे देखा होगा छेद करने के लिए हम लोग हाथ से घुमाते हैं, तो इसमें जस्ट लाइक है दो लेग्स होते हैं ये जो मैंने दिखाया हूं, और उसमें एक लेग आपका क्या करता है, एक होल टचिंग द सरफेस होल, आपका सरफेस होल पे चला जाता है, जिस होल पे हमें टच करना है, जिस पे हमें आपको चेक करना है कि वहां पे कोई क्रैक या कुछ डिफेक्ट तो नहीं है, या थिकनेस ऑफ द क्रैक मान लीजिए हमें वहां कोई चेक करनी है, तो आपने उसमें दे दिया, और कॉइल जो होती है वो आपकी 90 डिग्री पे प्लेस्ड है, राइट लोकेटेड एट अ राइट एंगल टू द प्रोब डायरेक्शन, प्रोब के डायरेक्शन पे वो 90 डिग्री पे है एंड आर रोटेट बाय हैंड, उनको हैंड से रोटेट करते हैं, इसको हैंड से रोटेट, वहां स्पिंडल लगी थी यहां हैंड से रोटेट करेंगे एंड विद द फास्टनर रिमूव्ड, और जिस तरह से हमें आपको रिमूव करना है वहां पे आप, इट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द साइज डायमीटर आर अवेलेबल, जिस तरह का हमें साइज और उस तरह का, तो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन प्रोब को हम लोग डिजाइन करते हैं। वेल्ड प्रोब्स आर बेसिकली, वेल्ड प्रोब इस तरह के होंगे जिस तरह से ये आपको दिए हैं, ये वेल्ड प्रोब्स हैं, कॉयल हेड आपका यहाँ पे कॉयल नहीं होता है, यहाँ कॉयल हेड बनाया जाता है एंड दे आर यूजिंग ओनली द वेल्ड प्रोब,
बॉबिन प्रोब्स वहां यूज करते हैं जहां हॉलो सेक्शन इंस्पेक्ट करना है हमें। हॉलो सेक्शन जैसे हमें ट्यूब्स के अंदर, जैसे हीट एक्सचेंजर है, लंबे लंबे हीट एक्सचेंजर आपने HMT में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि देयर इज अ डिवाइस व्हिच एक्सचेंज द हीट।